नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे पीएन जंक्शन एवं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, पीएन संधि क्या है और पीएन डायोड क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पी टाइप पदार्थ क्या होता है और एन टाइप पदार्थ क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी जो है मैंने आप लोगों को एक क्लास दे दी थी। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से जो है उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पीएन संधि तथा पीएन संधि डायोड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, नाम से पता चल रहा है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि। तो यहाँ पे एक तो पी टाइप पदार्थ होगा और एक एन टाइप पदार्थ होगा, और संधि का मतलब है दोस्तों दोनों का मिलना। संधि का मतलब क्या है? दोनों का मिलना। तो पी एन संधि बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। अरे संधि का मतलब जुड़ना। ठीक है, तो पी एन मतलब पी टाइप पदार्थ होगा और एक एन टाइप पदार्थ होगा, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीएन संधि। लेकिन देखो दोस्तों, वास्तव में इसको प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं? प्रैक्टिकली इस प्रकार नहीं बनाते कि जैसे मान लो एक ये पी टाइप पदार्थ है और एक ये एन टाइप पदार्थ है, दोनों को आपस में जो है ऐसे जोड़ दिया, दोनों को पास पास कर दिया तो पीएन संधि डायोड बनेगा। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं बनाते। ठीक है, समझो इस चीज को। स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं जनरली कि एक पी टाइप पदार्थ होता होगा, एक एन टाइप पदार्थ होता होगा, दोनों को आपस में मिला लेते होंगे, इस प्रकार से जो है पीएन संधि डायोड बनता होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं बनता। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लिया, एक शुद्ध सिलिकॉन का टुकड़ा लिया। ठीक है, एक ये अर्धचालक पदार्थ ले लिया। अब इस अर्धचालक पदार्थ में यदि हम इस साइड त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे, त्रिसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो यहां पे बन जाएगा पी टाइप पदार्थ। ठीक है, इस साइड यदि हम लोग पंचसंयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तो इस साइड बन जाएगा एन टाइप पदार्थ। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो पी टाइप पदार्थ बना इसमें होल्स की अधिकता होती है, इसमें होल्स की अधिकता होती है। जो एन टाइप पदार्थ बना उधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, कुछ मात्रा में इधर होल्स भी होंगे, और जो पी टाइप है इधर होल्स अधिकता में होंगे लेकिन कुछ मात्रा में इधर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब देखो दोस्तों यार, यहां पे क्या है, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहां पे क्या है, होल्स है। लेकिन जहां ये पास पास होंगे, आप समझना, जहां इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिल्कुल पास पास होंगे वहां पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल की जगह आ जाएंगे। और आपको पता है पी टाइप पदार्थों में हमने पढ़ा था कि जहां इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिक्त स्थान बच जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन के लिए एक रिक्त स्थान बच जाता है उसी को हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना यहां से यहां आ जाएगा। अब आप सोचो यार, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जिधर से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित। पता है ना आपको, ये क्या चीज हो जाएगी? ये हो जाएगी धनावेशित। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है वो क्या हो जाता है? धनावेशित। और यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो हो जाती है दोस्तों ऋण आवेशित। समझो, इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा तो यहां हो जाएगा धनावेश उत्पन्न और यहां हो जाएगा ऋण आवेश उत्पन्न। ठीक इसी प्रकार यहां धनावेश और यहां ऋण आवेश, फिर यहां धन आवेश और यहां ऋण आवेश, यहां धन आवेश और यहां ऋण आवेश। तो इस प्रकार से दोस्तों इस साइड जो है धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस साइड जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहां पे धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहां पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ना, आपको पता है यार, आप खुद समझना, जैसे कोई सेल या बैटरी होती है, ठीक है, उसमें एक तरफ धन आवेश होता है और एक तरफ ऋण आवेश होता है, होता है कि नहीं होता? तो यहां पे क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। और यार एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो परत बनेगी ना, इसे हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, और इसी को दोस्तों हिंदी में बोल देते हैं हम लोग अवश्य परत। अवश्य परत,
या फिर दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन, या फिर दोस्तों इसी को हम लोग बोल देते हैं पी एन संधि। ठीक है, इस चीज को बोल रहे हैं, ये जो परत बन रही है ना, एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यार यहां जो अवश्य परत बनी, यहां जो डिप्लीशन लेयर बनी, यह क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर रही है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो बैरियर्स आते हैं, है ना, बैरियर मतलब वहां पे हम लोग गाड़ी को धीरे कर लेते हैं, जहां बैरियर ब्रेकर वगैरह आते हैं वहां पे क्या करते हैं, हम गाड़ी को धीरे कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल, यहाँ जो पोटेंशियल आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। उसी चीज को हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं रोधिका विभव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोधिका विभव। तो दोस्तों यहाँ पे ये नॉट पॉइंट आप लोग लिख दीजिए कि अवश्य परत के वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज अंतर बोल दो, विभवांतर बोल दो, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को रोधिका विभव क्या कहते हैं दोस्तों, रोधिका विभव बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इसी वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होगा ना, अवश्य परत का जो वोल्टेज है, अवश्य परत के सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, उसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और इस बैरियर पोटेंशियल का मान दोस्तों, यदि डायोड सिलिकन डायोड है तो बैरियर पोटेंशियल का मान होता है 0.7 वोल्ट, सिलिकन 7 0.7 वोल्ट। और यदि जर्मेनियम डायोड है तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है इसका मान होता है दोस्तों 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो दोस्तों यार, अब ये जो युक्ति बनी ना, ये जो खूबसूरत सी युक्ति बनी, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये जो पूरी युक्ति बनी ना, ये तो कहलाया पीएन जंक्शन अवश्य परत। ठीक है, ये तो क्या कहलाया, पीएन जंक्शन, ठीक है, अवश्य परत, ये डिप्लीशन लेयर। लेकिन ये जो युक्ति बनी ना, पूरी की पूरी जो डिवाइस बनी, इसको हम लोग बोल देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड। अब उसके लिए क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक टर्मिनल बाहर निकालते हैं और एक टर्मिनल दोस्तों यहां से निकालते हैं। ठीक है, ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग एनोड कहते हैं। इस टर्मिनल को क्या कहते हैं हम लोग, एनोड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो टर्मिनल है दोस्तों, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैथोड कहते हैं। और इसको हम लोग नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीसे नहीं, कैसे जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों यदि इस युक्ति के सिंबल, प्रतीक की हम लोग यदि बात करें, तो यहाँ पे इसका प्रतीक होता है दोस्तों, ये जो पी सिरा है इसका, ये इस प्रकार से एक तीर के निशान के रूप में जो है इसे हम प्रदर्शित करेंगे। और ये जो एन भाग है इसको हम लोग एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां से ये एनोड निकाला और यहां से ये कैथोड निकाला, तो ये एनोड और ये कैथोड, तो ये हो गया सिंबल ऑफ डायोड। सिंबल मतलब प्रतीक, सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, या पीएन डायोड बोल दो। ठीक है, पीएन डायोड कह दो, राइट, आई बात समझ में। तो ये पी सिरा कहलाता है, ये एन सिरा कहलाता है। अब देखो दोस्तों यार, इसमें पीएन जंक्शन एक होता है, ठीक है, एक ही पीएन जंक्शन हुआ। इसमें अर्धचालक परत की बात करें तो एक ये रही और एक ये रही। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग लिख लेते हैं पीएन संधि डायोड में दो अर्धचालक परत होती है दोस्तों। कितनी होती है, दो,
यार एक तो पी टाइप और एक एन टाइप, तो ये भी अर्धचालक है ये भी अर्धचालक है, ये दोनों क्या कहलाएगी? अर्धचालक सेमीकंडक्टर लेयर कहलाएगी, ठीक है। और एक अवक्षेप परत होती है पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में एक पीएन जंक्शन या अवक्षेप परत जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर भी कहेंगे, डिप्लीशन लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक एनोड होता है ए, और सेकेंड होता है दोस्तों कैथोड के, राइट। ये दो टर्मिनल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।